गढ़चिरौली जिले के डीआईजी संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में 16 आत्मसमर्पित नक्सलियों सहित 117 आदिवासी युगल शादी के बंधन में 13 मार्च को बंधेंगे। गढ़चिरौली पुलिस बल और मैत्री परिवार संस्था नागपुर के सहयोग से चंद्रपुर रोड पर अभिनव लॉन में सामूहिक विवाह होगा। करीब 4 वर्ष पहले भी गढ़चिरौली में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो चुका है, जिसमें कई आदिवासी समाज के युवक युवती शादी के बंधन में बंध कर आज कुशल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैत्री ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले को गोद लिया है। संदीप पाटिल और संस्था का पूरा प्रयास है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भटकाव के रास्ते पर चलने वाले युवाओं को जीवन की मुख्यधारा में लाकर उन्हें जीने की नई राह दिखाई जाए। इस प्रयास में डीआईजी पाटिल और मैत्री को काफी हद तक सफलता भी मिली है। कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी पाटिल के हाथों किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, समीर शेख, सौम्य मुंडे, गुरुदेव सेवा मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सेवक प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने वाले वर और वधु पक्ष को लाने ले जाने के लिए वाहनों का इंतजाम किया गया है। लॉन में खान पान की व्यवस्था की जा रही है। गढ़चिरौली जिला पुलिस या दोनों ही संयुक्त विद्यमान एक सामूहिक विवाह सोहळ्याचं आयोजन केलेलं आहे। 13 मार्चला हा विवाह सोहळा असेल। या विवाह सोहळ्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की 117 आदिवासी जोडप्यांचा विवाह या ठिकाणी होणार आहे। 117 आदिवासी जोडप्यांमध्ये 16 जोडपे असे आहेत ज्यांनी आत्मसमर्पण केलं। ज्याही आधी नक्षली कारवायामध्ये असायचे नेहमी, त्यांनी आत्मसमर्पण पोलिसांसमोर केलं आणि असे 16 जोडपे असणार आहे। असे एकूण 117 जोडप्यांचा हा सामूहिक विवाह असेल। 2015 साली सगळ्यात पहिल्यांदा नागपूरमध्ये आम्ही 44 जोडप्यांचा विवाह केला होता। तो नागपूरला विष्णुजी की रसोईमध्ये झालेला होता। 2018 साली पहिल्यांदा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पोलीस आणि मैत्री परिवार संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने विवाह झाला। पोलीस प्रशासनाबरोबरच सिव्हिल सोसायटी आहे, सिव्हिल सोसायटीनी या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घ्यावा। या उपक्रमातून आपण मैत्री परिवार जे पूर्वीपासून गेले 5-6 वर्ष गडचिरोली पोलीस दलाबरोबर जोडलेले आहेत, तर असा सिव्हिल सोसायटीकडून मदत इन्व्हॉल्वमेंट गडचिरोलीच्या ओव्हरऑल परिवर्तनामध्ये व्हावी, तिथल्या लोकांना लोकशाहीचं महत्त्व, तिथल्या लोकांच्यामध्ये जे वेगवेगळा चुकीचा प्रोपगंडा केला जातो, तर त्या अनुषंगाने नागपूरमधले इंटेलेक्च्युअल आहेत जसं किंवा बाकी रिटायर्ड वेगवेगळे सिव्हिल सर्वंट्स आहेत, जर्नलिस्ट आहेत, बिझनेसमॅन आहेत, त्यांनी गडचिरोलीमध्ये यावं आणि अशा उपक्रम जे पोलीस डिपार्टमेंट राबवत आहे किंवा जिल्हा प्रशासन राबवत आहे त्यांना सहाय्य करावे या उद्देशाने खरी ही प्रेस इथं घेण्याचा आले। आणि निश्चित जे बाकी सर्व सांगितलेलंच आहे, तर त्यामुळं आपणही त्या 13 तारखेला गडचिरोलीला येऊन विवाह सोहळा कसा होतो ते पाहायला पाहिजे आणि बाकी काय आपले सजेशन्स असेल तर घेऊ आपण। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।